सबसे पहले हम तीरा लेंगे 7 इंच, जितना तीरा है उतना ही मुड्ढा लेंगे। ये यहाँ से आधा इंच छोटा बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे हम आधा इंच तीरे की कटिंग दे देंगे तो ये कपड़ा हमारा इक्वल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से 1 इंच का निशान देखें, ये मुड्ढे की गोलाई देनी है। यहाँ से हम 1 इंच और एक्स्ट्रा लेते हैं मुड्ढे की गहरी कटिंग के लिए। ये जो गहरी कटिंग है ये हम फ्रंट पार्ट में देते हैं तो इसी लाइन से स्टार्ट करके इसी लाइन में एंड करते हैं और यहाँ से 1 इंच का निशान देके इस तरीके से गोलाई देते हैं। अब हमें इसमें सीने का निशान देना है। सीना इसका 32 इंच है तो 32 का हम चौथाई भाग करेंगे, 8 इंच आएगा। 8 इंच हम सीने का निशान यहाँ पे देंगे। जहाँ सीने का निशान आएगा वहीं से हमें मुड्ढे की गोलाई देनी है। इसके बाद ऊपर से 14 इंच नीचे पे हम कमर लेते हैं और 21 इंच नीचे पे हम हिप लेंगे। 20 भी ले सकते हैं लेकिन उसको थोड़ा लंबा चाहिए तो मैं 21 पे ले रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक मार्क लगा देते हैं। कमर इसकी 26 इंच है, 26 का 1/4 होगा 6.5, तो हम इसमें बिल्कुल भी मार्जिन नहीं लेते हैं एक्स्ट्रा फिटिंग के लिए। जितना है ना पूरा पूरा लेंगे क्योंकि स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो ये अपने आप सेट हो जाता है। हमने बिल्कुल फिटिंग का नाप दिया 6.5, अब 2 इंच मार्जिन ले रहे हैं कटिंग के लिए। इसके बाद हिप के पास आएंगे, हिप इसकी 34 इंच है, 34 के 1/4 होगा 8.5, पूरा फिक्स लेंगे यहाँ पे भी हम। और यहाँ से मैं सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें सिलाई लगा के लेस लगानी है, तुरपाई नहीं करनी है। अब हमें इन्हें आपस में मिलाना है तो सबसे पहले सीने की लाइन से कमर की लाइन को मिलाएंगे। ये कटिंग की लाइन है और ये फिटिंग की लाइन है। ये हम बाह की लाइन को जो मिला रहे हैं ये कटिंग की लाइन है और ये फिटिंग की लाइन है। हमें यहाँ पे कैंची से काटना है। इसमें हमने जितना दामन लिया है ऊपर हिप लिया है उतना ही हम नीचे दामन लेंगे। तो हिप हमारी हो रही है 10 इंच, तो 10 इंच ही हमें नीचे दामन लेना है, चौड़ाई लेनी है 10 इंच पे निशान लगा के। ये बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग कर देंगे हम यहाँ से यहाँ तक। ये जो बाहर वाली लाइन है अब इस पे मुझे कटिंग करनी है, काट के दिखाती हूँ। ये मैंने अब इसकी कटिंग कर दी है। अब मुझे एक पार्ट निकाल के इस मुड्ढे की गहरी कटिंग करनी है, अलग से निकालूंगी मैं इसमें से। ये हमारा बैक साइड का पार्ट हो गया और ये फ्रंट साइड का, एक पीस निकाल के तब हम गहरी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रंट गला बना रही हूँ। ये बॉटनेक गला है, इसके लिए मैंने चौड़ाई 4 इंच ली है। और लंबाई 5 इंच ली है। वैसे हम लंबाई इसमें 4 ही लेते हैं लेकिन इसकी डिमांड है कि थोड़ा सा डीप रखना है हमें। ये देखो ये सीधी साइड है, इसे मैं पिन से सेट कर देती हूँ। ये मैंने इसे पिन से सेट कर दिया है, बिना पिन के ये सेट नहीं होता क्योंकि स्ट्रेचेबल कपड़ा है। पिन से सेट करने के बाद ही बनाया इसको। अब इसके किनारे किनारे मुझे सिलाई लगानी है। अब इस पे कट लगाने हैं, 1-1 इंच की दूरी पे हम कट लगा देते हैं जिससे गले में सिकुड़न ना आए।
अब इस गले को फ्रंट साइड में पलट देंगे इस तरीके से, इस तरीके से पलटने के बाद हमें यहाँ किनारे किनारे एक सिलाई लगानी है। ये सुनील दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल अंदर होना चाहिए इस तरीके से। तो ये मेरे पास कुछ पुराने गंदे मोती हैं, मैं इनका यूज करना बता रही हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पट्टी काटी है मैंने, 2 इंच चौड़ी पट्टी है ये। इस पट्टी पे हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर देंगे। तो ये मोती हैं जो वो पुराने, इनको हमें इसके अंदर डालना है। ये मैंने एक पाइप टाइप का बना दिया है, सारे मोती इसमें भर लो। ये हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ दिया है तीरे में दबाने के लिए। इसके बाद जो हमने अंदर मोती डाली थी, इस मोती के लिए हम ये अंदर से जाएंगे यहाँ से। और इस मोती को इस तरीके से ऐसे टाइट करके दो तीन बार लपेटने के बाद एक गांठ लगा देंगे। अब दूसरा मोती करेंगे, सुई से साइड से हमें बाहर आना है इधर, और अब इस मोती को अटैच करना है, इस तरीके से टाइट बांधना है। इस तरीके से हमें ये पूरी लड़ी बना लेनी है। और ये यहाँ मैंने थोड़ा जो छोड़ा था ये तीरे में दब जाएगा, और यहाँ पे हमें इसको ऐसे अटैच करना है। ये मैंने पूरी लड़ी बना ली है, अब हमें इसको यहाँ से अटैच करना है इस तरीके से। ये थोड़ा सा प्लेन कपड़ा इधर छोड़ के यहाँ पे तीरे में जुड़ जाएगा, और सुई से हमें इस तरीके से इसको अटैच करना है। ऐसे सारे मोतियों को हम अटैच करते जाएंगे, और इस तरीके से ये पूरा गला तैयार हो जाएगा। ये मैंने पूरा तैयार कर दिया है। अब इसके बाद मुझे पीछे का गला बनाना है। पीछे का गला भी सिंपल है, पीछे के गले पे मैंने पट्टी लगा दी है। अब मुझे इसके तीरे जोड़ने हैं। तीरे जोड़ने का भी तरीका बता रही हूं मैं। ये देखो, ये बिल्कुल सिलाई से मिला के, ये जो पट्टी है इस साइड में फोल्ड करके तब सिलाई लगाते हैं तीरे की। मैंने तीरा जोड़ दिया है, अब हम इसको इस तरीके से सीधा करेंगे। ये देखो बिल्कुल फिनिशिंग से आया है। इसी तरीके से मैं दूसरा तीरा भी जोड़ लूंगी। इसमें गहरी कटिंग होती है, ये फ्रंट साइड में आना चाहिए। ये इसका फ्रंट साइड है, और ये निशान से बाजू का ये फ्रंट साइड है। अब इस तरीके से हमें इसको जोड़ना है। Thank you.
ट्यूटोरियल बताया मैंने इसका। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।